दर्शक बिंद, ये ऊंट है, ये बहुत दुर्लभ देखा जाता है शहर बाजार में। एक ग्रामीण भेग में एक साधु बाबा है, ऊंट लेके आ रहे हैं। बाबा जी दंडवत नमस्कार। जय सीताराम जी। जी जी, कितना साल से ऊंट रखे हैं? हजूर 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। कहाँ घर हुआ आपका, क्या नाम हुआ? भूमि चंपारण में हुआ। अच्छा। और गुरु स्थान जनकपुर हुआ, रतन सागर। नाम क्या हुआ आपका? नाम मेरा उमाशंकर महाराज जी है। अच्छा, ये 10 साल से घुमा रहे हैं जी, जी, जी। इंडिया और नेपाल चारों ओर? दोनों इंडिया नेपाल दोनों। इंडिया के कौन कौन स्टेट घूम जाते हैं? इंडिया के हम चले जाते हैं छपरा को, आपका बलिया, उसके बाद में चले जाते हैं सिवान, आपका बनारस चले जाते हैं, काशी चले जाते हैं, इधर पटना चले जाते हैं, धुबरी तिलैया कोडरमा, ये सब हम इधर सहरसा पूर्णिया जोगबनी काकरविला ललित। अच्छा, ऊंट पे क्या क्या रखे हैं? इस पर सब अभी हजूर थोड़ा मोड़ा चावल होगा 2-4 किलो, नहीं तो सब कपड़ा लाता है हजूर है। अच्छा। इसका भी भोजन है। अच्छा, सब व्यवस्था यही सी पे? आप अकेले हैं कि और आदमी है? 4 मूर्ति हजूर है। 4 आदमी है जी जी। तो और आदमी कहाँ है? 3 आदमी पीछे आ रहे हैं, गांव में से आ रहे हैं। अच्छा, दिन के कितने पैसा आप लोग कमा लेते हैं? लगभग हजूर पूछा जाए 2000 हो जाता है दिन में, 2500 रोज का जी जी। अच्छा, चलिए चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। ये क्या खाता है ऊंट, क्या खाता है बाबा जी? खली भूसा और ब्रांड, और रबी का भूसा होता है, गेहूं का वो खाता है, धान का कुट्टी होता है वो खाता है, ये सबको मिला दिया। अच्छा, ऊंट बोला जाता है कि ये बालू का, रेत का, मतलब वो मरुभूमि का चीज है जो हम लोग अभी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं लेकिन देखे नहीं है हजूर, हम लोग पढ़ कर ही जानते हैं। हाँ। मरुभूमि का जहाज कहा जाता है। अच्छा, और मरुभूमि में खाली आपका बालू मिलेगा, कटीला सामान। तो एक कच्ची रास्ता पे, चाहे आपका ये इस पे, आपको इसको चलने में कितना दिक्कत होता है? हल्का हल्का, इसलिए अब भीन गया है, रह गया है यहाँ जी। आइए आइए, इनके साथी भी हैं बाबा जी लोग। नमस्कार बाबा जी, क्या नाम हुआ आपका? बच्चा दास। अच्छा, नेपाल में आप लोग सैर कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? ठीक है, ठीक है। ठीक लग रहा है। आ डेरा कहाँ पे रखते हैं आप लोग? डेरा डूबने लगा, वही जगह रुक गया। चलिए चलिए,